नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। गाय को खिला दे छोटी सी चीज, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, हर परेशानी तुरंत होगी खत्म। दोस्तों गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय को सभी देवी देवताओं का वास करने का स्थान कहा गया है। दोस्तों इसीलिए गाय के साथ किए जाने वाले उपाय तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहते हैं, आप अपने घर में अपनी तिजोरियों को भरना चाहते हैं, आप अपने घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, तो आपको गाय के साथ यह एक अचूक टोटका अवश्य करना चाहिए। इस एक अचूक टोटके को कहें या फिर अचूक उपाय से किए जाने वाले प्रभावों का परिणाम बहुत ही जल्दी मनुष्य को प्राप्त होने लगता है। गौ माता की सेवा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता की सेवा करने को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का जो पुण्य है वो केवल गौ माता की सेवा करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं तो खुद प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौ माता को यह छोटी सी चीज अवश्य खिलाया करें। इसके अलावा दोस्तों जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन उन्हें भोजन कराते हैं या फिर उनके नित्य कुछ उपाय करते हैं, तो उनके ऊपर आने वाली सभी समस्याओं को गौ माता स्वयं हर लेती है। इस एक छोटी सी चीज को गुप्त उपाय को करने से माना जाता है कि गाय को ये छोटी चीज खिला देने मात्र से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है और 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी सभी समस्याओं का अंत तो करते ही हैं, सभी संकटों से आपको मुक्ति दिलाते हैं, साथ ही साथ आपको धनवान बनाते हैं और आपके जीवन में सफल होने की सभी मार्गों को खोल देते हैं। यह छोटी सी चीज गौ माता को खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का और साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। इसकी कोई जाप संख्या नहीं है। जब तक आप गौ माता को यह छोटी सी चीज खिला रहे हैं या फिर जब तक गौ माता इसे पूरी तरह से खा ना ले, तब तक आप इस महामंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों में बताए गए इस उपाय के अनुसार आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से हर व्यक्ति जो ये उपाय करता है वह धनवान बन जाता है। जीवन के हर कष्ट और संकटों से चुटकियों में छुटकारा मिल जाता है। अब तक जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते थे वह सभी बनने लगेंगे। सफलता के मार्ग में आ रहे रुकावटें दूर हो जाएंगी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं। आप चाहे इसे शुक्रवार के दिन करें, चाहे गुरुवार के दिन करें, चाहे एकादशी को करें, चाहे पूर्णिमा को करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर दिन भगवान के लिए ही समर्पित है। दोस्तों आपको जिस दिन भी उपाय करना हो उस दिन आप सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएं और नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अपने घर में जहां मंदिर स्थापित है वहां जाएं और मंदिर में जाने के बाद सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को एक साफ कपड़े से पोंछ दें। अगर मूर्ति है या प्रतिमा आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उन्हें नहला धुला कर स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में स्वच्छ हो जाने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक में घी इतना होना चाहिए कि जब तक आप ये उपाय करें तब तक दीवा बुझ ना जाए। साथ ही साथ एक सुगंधित धूपबत्ती भी अवश्य जलाएं। ये दोनों कार्य हो जाने के बाद भगवान विष्णु को, अगर उनकी प्रतिमा आपकी मंदिर में मौजूद है तो आप उन्हें हल्दी से और माता लक्ष्मी को आप कुमकुम और हल्दी से दोनों को मिश्रित करके आप तिलक लगाएं। उसके बाद अपने मस्तक पर भी आप तिलक लगाएं। उसके बाद एक साफ प्लेट लें और हल्दी से उसमें एक स्वास्तिक और एक ओम बनाएं। उसके उन दोनों के बीचों बीच आप एक गुड़ छोटी सी टुकड़ी रख दें और साथ ही साथ थोड़ी देर भीगी हुई चने की दाल के कुछ दाने वह भी रख दें और अपनी नित्य पूजा करने के बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती गाएं। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद आपको अब जो दीपक आपने जलाया है उसे पूर्ण होने का इंतजार करना है। जब वह दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में जो रसोई घर है वहाँ पर जा करके थोड़ा सा आटा लेकर के उसे मल लें। ध्यान रहे कि इस आटे में आप नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा शुरू होने से पहले ही नहाने धोने के बाद ही आप आटे को थोड़ा सा मल करके रख लें। अब दोस्तों जो आपने पूजा के दीपक पूर्ण हो जाने के बाद जो आपने पहले गुड़ और चने की दाल रखी थी उसे उठा करके इस लोवे के बीच में डाल दें और इसे एक लोवा बना लें। दोस्तों इस प्रकार से तैयार हुए लोवे के ऊपर
आप थोड़ा सा हल्दी से और कुमकुम से तिलक कर दें। दोस्तों इस प्रकार के लोवे को जब आप किसी बैठी हुई गाय को खिलाएंगे तो दोस्तों आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज रूप से ही प्राप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के चलते आप अपने घर में अनेकों अनेक प्रकार के धन धान्य सुख वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण परिवार को एक खुशबू और सकारात्मक माहौल को अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अगर नहीं आई है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।